हेलो दोस्तों दोस्तों नॉलेज विदाउट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लक्ष्य के लिए। आप उन 17% लोगों में से हैं जिनके पास कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, क्योंकि इस दुनिया में 83% लोगों के पास लक्ष्य ही नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए जिसके जुनून में वो अपनी जिंदगी को जिए। एक इंसान और जानवर के बीच सबसे बड़ा अंतर ही यही है, सपना। इंसान सपना देख सकता है, जानवर नहीं। ये बिजनेस तो एक रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सपना ही नहीं है, प्रबल इच्छा ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या पाना है, यह निश्चित ही नहीं है, तो कोई अलग से काम क्यों करेगा। सफलता पाने के लिए आपके पास एक मजबूत क्यों होना चाहिए, यानी कि एक सपना कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में क्यों नहीं जानते, वो लोग कैसे में दिलचस्पी ही नहीं रखते। जिस गांव जाना नहीं, उसकी दूरी जानकर क्या फायदा। दुनिया में कोई भी घटना दो बार घटती है, पहले आपकी सोच में सपनों के रूप में, फिर यथार्थ में। इसलिए सबसे पहले विचार करना आवश्यक है कि हम जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उतनी ही सफलता पाता है जितनी बड़ी उसकी सोच है, उसके आगे वो कभी नहीं जाता। हर इंसान की इच्छा, हर इंसान की सोच अलग है। मानसिक शांति, अपना व्यवसाय, परिवार के साथ ज्यादा समय, परिवार के साथ अच्छा संबंध, काम जिसे करने पर संतुष्टि मिले, अपने मनोरंजन और शौक पूरे करना, अधिक लोगों से मित्रता, गहरे संबंध और स्वीकार्यता, अच्छी सेहत, सफलता के लिए मान सम्मान, खुशी आनंद के अवसर, खुद व बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था, समाज कार्यों में योगदान, घूमना फिरना, परिवार और रिश्तेदारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, एक अच्छा घर, एक अच्छी कार, आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ जाना, वगैरह वगैरह। सपने केवल सपने रह जाते हैं अगर समय का बंधन यानी हासिल करने की तारीख उनके साथ ना जोड़ी जाए। जैसे ही हमारे सपने समयबद्ध हो जाते हैं, वो हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। लक्ष्य बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाना है, जिससे हताशा ही हाथ लगती है। बहुत लोगों का सपना एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसी सपने के लिए लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं कि हम पहले कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरी बात, सबके कर्ज की रकम, घर बनाने का खर्च, नौकरी में तनख्वाह अलग अलग होते हैं, इसलिए लक्ष्य भी अलग होगा। सपने तक हम कभी भी सीधा नहीं पहुंचते। हम उसे तारीख देकर लक्ष्य बनाते हैं, फिर एक वाहन की तलाश करते हैं जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जब आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं, महसूस करते हैं, तब यह लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में मजबूती से बैठ जाता है। अब आपका अवचेतन मन हर बार आपके चेतन मन को सही राह पर बनाए रखता है। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपके अवचेतन मन द्वारा निश्चित किया जाता है। जब आपके मस्तिष्क पर आपका लक्ष्य हावी हो जाता है, तो आपको अपने आप उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है। अवचेतन मस्तिष्क हमेशा संतुलित रहता है। चेतन मस्तिष्क तब तक ही संतुलित रहता है जब वह उसी राह पर चल रहा हो जो अवचेतन में बनी हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण के दौरान पाया कि 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। 14% लोगों के पास लक्ष्य है, उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या पाना है, और 3% लोगों ने अपने लक्ष्यों को लिख कर रखा है, जिसका परिणाम आश्चर्यजनक है। उन 14% लोगों ने लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज्यादा सफलता पाई है, और 3% लोगों ने उन 14% लोगों से 10 गुना ज्यादा सफलता पाई है। अब सोचिए, जैसे ही आप लक्ष्य को लिख कर दीवार पर चिपका देते हैं, आप उसी समय ऊपर के 3% लोगों में आ जाते हैं। अब सिर्फ जरूरत है तो एक वाहन की, जो लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में सक्षम हो। जब आप किसी इच्छा, जरूरत या सपने को लिख लेते हैं, उसे किसी ऐसी जगह पर चिपका देते हैं जहां पर आप उसे रोज पढ़ सकें,
जब आप उस सपने के बारे में बातें करते हैं और उसे वर्तमान में महसूस करते हैं जैसे आपने उसे पा लिया हो, तब आपके अवचेतन मस्तिष्क में उसका एहसास पक्का हो जाता है। अवचेतन मन नहीं जानता कि वह सही है या गलत, वो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। और जब अवसर आता है तो अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत भेजता है, तब सारे फैसले उस अवचेतन मन की शक्ति के कारण सकारात्मक हो जाते हैं। आसपास का वातावरण और परिस्थितियां आपकी मददगार हो जाती हैं। वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना, जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। सारी प्रकृति मानो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ऐसी स्थितियां निर्मित कर देती हैं कि बस आगे बढ़ो और हासिल कर लो। दूसरे लोगों के मस्तिष्क पर भी इसका असर होता है। अवचेतन मस्तिष्क को सही गलत सच झूठ की जानकारी नहीं होती, इसलिए जो चाहिए उसे सकारात्मक भाषा में लिखे। उदाहरण के लिए, यहाँ कचरा मत करो, यह नकारात्मक है। इसमें पहले कचरा दिमाग में आता है फिर मत करो। इसके बजाय ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ सफाई रखो। बार बार दोहराई हुई बात आदत में बदल जाती है, अब वो बात करके समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपना सपना बार बार दोहराते हैं तो उसके आदि हो जाते हैं, तो अवचेतन मन हमसे वो कार्य अपने आप करवाता है जो जरूरी है। तो बस पहले आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को याद दिलाओ कि आप क्या चाहते हैं और उसे बार बार याद दिलाते रहें। उसके बाद आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको बताएगा और याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है, और वो सारी चीजें आपके सामने ले आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उठाइए कॉपी और पेन और अपने लक्ष्यों को लिख डालिए और दीवार पर टांग दीजिए।